हमारे YouTube चैनल से जुड़े हमारे दर्शकों के लिए विशेष सूचना। कृषि और सहायक धंधों संबंधी इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, उनको सहायक धंधों के प्रति प्रोत्साहित करना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए पूरा विवेक का इस्तेमाल करते हुए खाद सामग्री और पशुधन की खरीद करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, ये पूरन डेयरी है पटियाला में, पहले भी इनके पास बहुत बार आ चुके हैं। आज भी ये गाय जो दिखा रहे हैं तो हमारे लिए तब फ़ायदेमंद होगा अगर ये कुछ जानकारी की बातें बताएंगे नए पशुपालकों के लिए। अगर ये अपने मतलब की, वैसे लोग बुलाते हैं कि अपनी गाय बेचने के लिए, हम आते हैं इनके पास कि कुछ जानकारी आप लोगों को मालूम हो जाए, तो आइए करते हैं बात। ये बच्चिया तुमने घुमाई? हाँ जी, हाँ जी। ये बेची हुई है, बेचनी है? नहीं, अभी सेल के लिए। सेल के लिए? हाँ जी। दो दांत? दो दांत अभी किए, तोड़ा है एक दांत अभी, शुरू किया। हाँ जी, शुरू किया। तो यही हो गई है अब, बस के एक मंथ रह गई सिर्फ ब्याने का। ब्याने का जी। ब्रीड में है पूरी? इससे ऊपर ब्रीड आप देख लो जी, अब कितनी आप देखते हो, अब देखो। नहीं, तुम लोग ब्रीड के नाम से पैसे बहुत मांगते हो। चीज के ही पैसे लगने हैं। अब गाड़ी मारुति भी है, गाड़ी ओडी भी है, लैम्बोर्गिनी भी है, उसके हिसाब से पैसे मांगते हैं। हम कौन से ऐसे मांगते हैं? नहीं तो कितने मांगोगे इसके? मांगेंगे तो कस्टमर, देखो इसका पता क्या है, जो हमने तो लिया अपने हिसाब से, दो गायें ली, ठीक है, एक कच्ची है, एक मंथ बड़ा इसका, दूसरी का 20 दिन है इसका, तो ये आगे तो जितना हम इसको डालेंगे, ठीक है, आगे ब्रीड है जो बनेगी करेगी उसके बाद पता लगेगा बिकने का, ठीक है, जब ये पूरे आंचल में आएगी अपने में। हाँ जी, बाकी आपके सामने कितना दूध देगी? जो रिकॉर्ड है जी, फार्म का रिकॉर्ड है, जैसे इसके साथ की मैंने वहाँ भेजी अभी रोपड़, उसने फर्स्ट में उनके 38 दिया है। तो ये कितना दे देगी? ये भी 35-40 देगी, वो भी आगे गर्मी की वजह से, अगर गर्मी नहीं हुई फिर 40+ भी जा सकती है। तो एक महीने बाद भी आएगी? 25 दिन रह गई। सेक्सीमन है? अभी सेक्सीमन इसकी माँ का क्या हिसाब है? इसकी माँ का ही 57 लीटर है। 57 लीटर? हाँ जी। कहाँ से है जी? कहाँ से है वो? वो यही अपने फार्म लोकल, यहाँ हमारे 10-20 किलोमीटर फार्म है, 3 बराइयों का फार्म, बहुत पुराना फार्म है, ये नहीं आज के नए हैं, कम से कम 20 साल हो गए होंगे उनको ब्रीड पे काम करते। हाँ जी, और पहला चांस है उन्होंने, एक मुझे सेकंड लैक्टेशन है और ये फर्स्ट वाली पहली बार दी है। अच्छा, अब एक महीना जो है इसको, अभी इसका ब्याने का। हाँ जी, चलो तुम्हारे पास तो बिक जाएगी जल्दी। हाँ जी, अगर रखनी हो एक महीना तो क्या खुराक देगा इसको? खुराक ट्रांजेक्शन पड़ रही है जी। कितनी? देखो ये हम ज़्यादा नहीं, इसको 4-5 किलो ट्रांजेक्शन, ठीक है, साइलेज है वो कट्टा 1600, 2000, 2200 अलग अलग जैसे आती है जी, कंपनी के हिसाब से भी है, ठीक है, कोई 1400 की भी है, कोई 1600 की है, कोई 2000 की है। तो 4 किलो करीब दो? 4-5 किलो। हाँ जी। अभी इसको मिनरल की जरूरत है? मिनरल भी दे रहे हैं जी हम, ज़्यादा ना फोकस, चलो जी जो फार्मर है हम ज़्यादा फोकस करते हैं देसी खुराक पर। हम जो भी है घर में भी आपने देखा, चलो अब तो यहाँ आपने देख लिया, आप बोल रहे जगह वहाँ टाइट है, टाइट, अब खुली जगह में आ गए। हमने अब इनको बस बड़ेमे की खल, कणक का दाना, छिलका, सरों की खल, हम वो ज़्यादा डालते हैं। कहते अगर अंदर बच्चा जो है ज़्यादा बड़ा, ग्रोथ उसकी ज़्यादा हो जाए तो वो भी ब्याते समय परेशानी का कारण बन जाता है? वो ऐसे अंकल, जो बच्चा है ना 7 महीने जब पूरे हो जाए, फिर बच्चा पूरा हो जाता है 7 महीने का, जो 2 महीने है वो गाय को खुराक लगनी है, बच्चे को नहीं लगती। अच्छा, 7 महीने जो बच्चे को लगना है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। अगर 7 महीने में आपने उसको बेहिसाब खिलाया है, संतुलित फीड नहीं दी है, इसका मतलब बच्चा भारी भी हो सकता है? देखो ये भारी छोटा वो तो सब भगवान के हाथ में, ये अगर ज़्यादा फीड देंगे तो। अब अंकल जो टीके सेक्सीमन आ रहे हैं, अब वो आपको पता है वो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे ही लगता है भी 1-2 दिन का ही, महीने का है।
अच्छा, अब जैसे नया सीमन जो आ रहा है उसमें तो देखते हैं, चलो ये बाद में बात करेंगे। तो क्या कितने मंडी, कल मंडी लगी थी? हाँ जी। तो वहाँ अगर ऐसी लेने जाओ कितने की मिलेगी? वहाँ तो चलो ये अब बोलने की बात है, जो लोग देखते हैं पता है कितने मिले। वैसे मंडी में तो है, लोगों को मंडी से खरीदने का चाव होता है। तो आई ऐसी है भी नहीं थी कोई, कल मैं बेच के दो तीन मंडी में हो तो कितने की मिलेगी वहाँ? पता है अंकल, जिसको पता है चीज का वो तो क्या बताए। हम तुमसे पूछते हैं कि कितने भाव में मिलेगी मंडी में। अंकल भाव अब पता फाइनल क्यों नहीं कर सकते? देखो तो इसका थोड़ा ना बता रहे हो। नहीं चलो, मंडी का भी हिसाब है। मंडी तो कल मैंने गायें 92 की बेची है, 92,000 की। अच्छा। अगर वो कल बाजार जैसे अब थोड़ा कम है, गाहक कम है, कितने दूध वाली थी वो गायें? कम से कम दूध दे देगी फर्स्ट में 35-40 लीटर। हाँ, अगर वो कल गाहक होता वो गाय 1,25,000 की, 1,25,000 की बिकती। अच्छा। हाँ जी। तो आजकल ग्राहक कम है, अब थोड़ा मौसम की, एक लोग खेती बाड़ी में भी अब कणक की बढ़ाई में पड़ गए, थोड़ा बहुत बाजार में असर पड़ता है। फर्स्ट में आई है। कितना समय बाकी है? बस 10 दिन लेगी वो, 1 महीना लेगी 10 दिन। हाँ जी। ऑर्डर तो चला लिया। हाँ जी चला लिया। थान इसके चारों बराबर है? हाँ जी। थान भी बराबर है और डिस्टेंस भी बराबर है। हाँ जी। तो ये अच्छे सीमन की दूध वाली है, ब्रीड में पूरी इससे ब्रीड। अंकल अब कितना दूध देगी अंकल? अगर जैसे चलो बाकी हर एक का अपना सिस्टम है, फार्म का कोई रखने वाला जिस तरीके से रखता उतना दूध ले लेता है। अगर बढ़िया जहाँ सेवा बढ़िया में जाएगी तो दूध 35 से ऊपर जाएगा। अगर कोई ठीक घरेलू आदमी ले ले वो 30 से ऊपर निकाल लेगा, 30-32 निकाल लेगा। अच्छा पूर्ण, अगर तुम लोगों का व्यवहार सही हो। हाँ जी। और मन शांत हो, मन साफ हो, तो मैं नहीं समझता कि जो व्यापारी तुम्हारे पास एक बार आ गया ना पशुपालक, वो दोबारा ना आए। और जब तुम्हारे ऐसे लोग, कई लोग हैं जो मतलब उनका सब्र नहीं है, तो वो बेईमानी करते हैं। तुम तो जानते ही हो कि कौन कौन करता है। लेकिन वो जो असली किसान है ना, असली पशुपालक हैं, बड़ी मेहनत से पैसा करके लाते हैं, वो उनको भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। हालांकि वैसे वो धोखे में आते कम हैं, धोखे में वही लोग आते हैं जो अनाड़ी हैं और जिन्होंने पैसा खुद नहीं कमाया होता है, बैंक से लोन लिया होता है या पिताजी का पैसा है। तो अब हम ऑनलाइन करने को हमेशा मना करते हैं, हम कहते हैं ऑनलाइन मत करो, बिना अनुभव के मत करो। और जो लोग हैं ना वो इसका उल्टा करते हैं, बिना एक्सपीरियंस के खरीदेंगे और ऑनलाइन खरीदेंगे। फिर हमसे कहते हैं, एक अभी हमको जम्मू से है कोई, पता नहीं वरुणा क्या नाम है, तो कहते हैं कि वो हम आपके ऊपर केस करेंगे, आपको पार्टी बनाएंगे। हमने कहा किस लिए? कि हमने आपका चैनल देख करके गाय खरीदी, गाय खराब निकल गई, हमसे उसने धोखा कर दिया। मैंने कहा तो हमने तो आपसे बोला नहीं चैनल देखो। कहता आपने देखने के लिए चैनल चलाया। मैंने कहा वकालत ज़्यादा करनी तो चलो कोर्ट में जाओ कर। अंकल पता क्या बातें हैं, चलो आप भी इतना घूमते हो, अब लोगों का क्या करोगे? ये अब गायें हैं, हम अपने आप को एक्सपीरियंस बोलते हैं, हमारे आके भी गायें खराब हो जाती हैं, मर जाती, कुछ होता है। ये तो साह जैसे आदमी है वैसी गायें हैं, या साल हम तो बार बार कहते हैं ना कि भाई ऑनलाइन मत खरीदो। तुम ऑनलाइन खरीद करके अब तुम खा करके गलत सलत, तुम कहोगे कि भाई पेट में इन्फेक्शन हो गई है, तो जब खाया तो तुमने, अगर तुम गंदा खाओगे तो पेट में इन्फेक्शन होगी। अंकल देखो ऑनलाइन का क्या होता है, चलो आप भी हो ऑनलाइन में, अगर विश्वास एक होता है आदमी का, अगर वो तो मैं हूँ बेशक, अगर मुझे ग्राहक बनाना है तो मैं ऑनलाइन भेजूंगा, अगले को चीज भेजूंगा। ऑनलाइन करते हैं, मैं 20-20 साल से देख रहा हूँ। हाँ जी। बिना राय सिर्फ ऐसे ही पैसे डालते हैं, खरीदते हैं। हाँ कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं है। फिर वो अपने पे है ना जी। अब मुझे किसी ने ऑर्डर दे दिया 10 गाय का, 10 दे दिया, वो तो मेरे पर है, अभी मैंने देखना है अभी 10 गाय पहले तो 10 भेजूं, ठीक है, जो उसको दिखाई है वही भेजूं। अगर हम चलो मैं कोई गड़बड़ी करता हूं कुछ है, तो उसके सामने आ जाएगा वहां जाकर। अच्छा चलो, इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है? इसकी माँ का ही कम से कम 40+ का रिकॉर्ड है इसमें और उसमें, पहले नंबर। हाँ जी, वो दो दांत अंतर है, बस सीमन का अंतर है जी, जैसे उसका ठीक है सीमन, ब्रीड का थोड़ा अंतर है, ब्रीड में वो ज्यादा है। हाँ वो ज्यादा, ये कम, ये थोड़ी कम है उससे। हाँ जी। तो दूध ये भी उतना ही देगी? दूध ये भी देगी 35 से ऊपर जाएगी। बाकी आगे गर्मी है थोड़ा ही, उसकी वजह से 5-7-10 किलो फर्क पाता है गायें। क्यों गायें? इसलिए जो बाकी किसी की केयर बढ़िया है फिर दूध बेशक 40 भी ले ले। तो बताते हैं टेम्परेचर भी बहुत रहना बोलते हैं ये, अब क्या करें देखेंगे क्या होगा। तो फिर क्रॉस में ले जानी चाहिए? क्रॉस में? हाँ जी, देखो जो ब्रीड है, ब्रीड जिसने
लेनी है वो तो लेता ही, ज्यादातर हमें यही राय देते हैं जो बाहर तो लगा ब्रीड तो वही लेगा ना जिसके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही हाँ जी हाँ जी हाँ जी और उसको पूरा ज्ञान है। हाँ जी अगर कोई वैसे 40 लीटर सोच के ले रहा है तो वो तो फिर फंसेगा ही फंसेगा। हाँ जी हाँ जी फिर वो दोस्त तुमको देगा। अब आप क्या बताऊँ जी मेरे से क्या हुआ, गाय का पैसा मेरे पास आया हुआ, गाय मेरे घर में तीन खड़ी हैं, कश्मीर के आदमी ने ले रखी है। पहले तो हमें उसने बोला भी आप वहाँ गाय भेजो लखनपुर में गाय ले गए, भी आपको ट्रांसपोर्ट का किराया डालूंगा, भी आप गाय भेज देना। हम वहाँ ले गए, वहाँ फ़ोन मारा, बात की वहाँ आकर किराया दूंगा, ऐसे करूँगा। हमने कहा हम क्यों भेजे, गाड़ी वाला थोड़ा जाएगा। अब वो गाय हमारे घर में है, बोलता गाय बेच दो, भी गाय बेच कर मेरा पैसा दे दो। अब बताया वो भी अब हमारा क्या कसूर, वो इधर आया उसके सामने गायें लेकर दी, सारा कुछ किया, लखनपुर ले गए थे, ले गए वहाँ से वापस लाए, फिर हमें ट्रांसपोर्ट पड़ा कराया। जी अब बताओ क्या क्या बोलोगे लोगों को, हम पुलिस कंप्लेन करेंगे ये। मैं क्या कर दें, मेरा क्या मेरे गायें खड़ी है ले जाओ अपनी आके। क्यों कुछ आदमी वहाँ जाकर ड्राइवर को जो आदमी साथ जाता है उनको तंग परेशान करते हैं, वो जिन्होंने काम में ऐसे लोग सक्सेस नहीं होते। अब सक्सेस क्या बोलोगे, मैं फंसाऊँ। अब मुझे बोलता पैसे, मैं कहा मैं तो गायें घर में खड़ी है, मैं पैसे तो अपनी गायें ले जा। अब बताओ क्या करोगे आप, फिर लोग आप लोगों को फ़ोन करेंगे, किसी को करेंगे, बदनामी सारी व्यापारी की निकाल लेते हैं। अब इसका हल क्या करें बताओ। यहाँ आए हमने एक रुपया खर्चा नहीं लगने दिया, हमको रात में 12 बजे मैसेज करते हैं कि हम आपको पार्टी बनाएंगे, आपका कैमरा कर लो। हाँ जी मैं कहा जब तो हमारी बात सुनते ही नहीं हो, हम क्या कह रहे हैं तो फिर जो मर्जी करो। अंकल आपका तो दोष हो ना तब बोलो भी आप बीच है, ली उसने दी उसने, उससे बात करो, आपको क्यों बीच में घसीटते हैं लोग, यही नहीं मुझे समझ लगती। हमने शक्ल नहीं देखी, हमने वीडियो नहीं बनाई, हम कोई कमीशन नहीं लेते हैं। और कई कमेंट है उसकी ऐसे करो वो ऐसे कर दिए, कर दिए उसके करो बात, जैसे आपने ली है उसको पैसा दे ला वैसे अगले से बात करो। ये उसकी मतलब की बहन ही है ये, कौन से बात की, ये सेकंड में आई लगती तो नहीं। अब आप स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर वजन देख शरीर देख लो, ऑर्डर इसका ऊपर है इसलिए तुमने सेकंड कह दिया। अभी ऑर्डर बनाएगी जी, 15 दिन पड़े हैं। थर्ड बयान में देखो ये बयान तो अब आपको क्या बताएं, इसका ये नहीं पता 10 बयान आप सोच ही नहीं सकते। गाय का कोई नहीं है अंकल, सब खुराक पर है, गाय की सेवा हो। गाय कब तक भी आएगी अभी, अब 15 दिन नहीं, 15 दिन। हाँ जी दूध कितना देगी, दूध जी अब इसने दिया है 47-48 दिया है पहले भी। हाँ जी हाँ जी पहले इतना दिया आपको, इसकी मैं वीडियो और वो रिकॉर्ड मंगा दूंगा सारा जो आपको मैंने उसने कहा है ना, उसने कहा नहीं, मैंने इसकी साथ की सेम दो गायें भेजी हैं जो आपको मैंने बताया था, वो मेरे ग्राहक है। इसकी माँ का क्या है, इसकी माँ का ही उसके नीचे 60+ दिया उसने। तुम एक बार बताओ कहीं चोरी से लाते हो क्या? ना चोरी से बेचते हो, दो नंबर का है भाव। आपको उस दिन भी बताया सर, अब ये चलो अब मैं गायें लाया था आपको ऐसी 1,00,000 रुपए की, आपकी वीडियो में भी थी, वो गायें सूकर खराब हुई, मैंने 45 की 50 की बेची, ठीक है खराब होने वाली हो ही ना बेची ना, फिर वो भी घाटा पड़ता है। अब कई लोग होते हैं भी, अब गायें इससे ही कमाना है, इसमें ही जाना है हमारा, ठीक है प्रॉफिट लॉस इसमें है। अब किसी में ज्यादा हो जाए फिर बता दे अगला, फिर बोलता इतना वो तो देखता नहीं, जो लॉस है वो तो देखता नहीं भी उसका कितना लॉस भी होता है काम में। चलो ले अगले चौथे नंबर। हाँ जी चौथे हैं। हाँ जी तो जब तुम भाई नहीं बताते तो किसी को क्या आइडिया होगा, भाई फोन पे सब पूछ लेंगे ये और क्या होगा, पूछ लेते हैं। हाँ जी तुम लोग व्यापारी जो हो एक दूसरे की टांगे क्यों खींचते है जी, बस क्या करें लोगों का, हम तो नहीं चलो हम जिसको बाहर से कहीं आते हैं हम बोलते हैं भी चलो अपने पंजाब के हम उसकी यू करेंगे, क्यों कई लोग हैं जो अपने ही जैसे बोलते घर का बेती लंका ढाए वो काम है। अच्छा मैंने वो क्या करते हैं ना कि अगर तुमने दो गाय किसी को भेज दी, जो नूरपुर बेदी भेज दी, उसको गाय को बुखार हो गया जो नेचुरली हो जाता है, उसने तुमको फ़ोन कर लिया, भाई जी तुम्हारा फ़ोन बंद है बीजी है नहीं उठाया, उसने किसी दूसरे व्यापारी को फ़ोन लगा लिया, तो वो तुरंत उससे पूछेंगे तुमने किससे खरीदी, तो कहेंगे पूरे से कहते अरे वो तो बहुत बेईमान है, तुम गलत फंस गए, तुम मेरे पास आओ मैं तुझे कम में दिलवा दूंगा। अब जो है वो उसका मन खराब हो जाता है, अब वो फिर तुमसे क्लेश करेगा। ये तुम लोग व्यापारी एक दूसरे का नुकसान करते हो। अगर सर चलो हम उससे व्यापार खराब होता है, बाहरी लोगों पे गलत असर पड़ता है। हाँ जी वो तो होता है सर। अब तो हम ये कहते हैं कम से कम जो हमारे अटैच में हैं, जो हमारे कंसर्न में हैं, जिनके हम उतने लोग तो शहीद हो वो भी नहीं रहते,
अब यही है जी, अगर ये साथ में मिलकर सब व्यापारी एक दूसरे का करें अपने पंजाब में, फिर आदमी आंखें मीच कर भी गाय लेगा। ये रेडिस जो दिखा रहे हो, हाँ जी, तो कब तक भी आएगी? सेकंड में, ये एक हफ्ता बढ़ा ही। हर एक को सेकंड में फर्स्ट में बोल देते? अब सामने ही बता रही है गाय, ये तो तीसरे चौथे में लग रही है जी। अब ये तीसरे में आपके सामने है, तीसरे वाली आपको दिखाएंगे जो आएगी, इसमें क्या है? ये रेडिस पे है। हाँ जी, रेडिस एचएफ है। हाँ जी, एचएफ क्रॉस है, हाँ जी क्रॉस है, रेड। हाँ जी, रेड। पहले तू हमें पूरी ये बता, हम तो यार इतने वीडियो बना रहे हैं, आज तक समझ में नहीं आया क्रॉस और ब्रीड का क्या। आपको मैं उस दिन भी तो बताया था, फिर बता दे एक बार ना। देखो क्रॉस का क्या होता है, कान और मुंह थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। अब ये रेडिश क्रॉस आ गई ना, जैसे गायें उधर है, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें क्रॉस का क्या लक्षण है ये बताओ? इसमें क्रॉस का नहीं, इसमें रेडिश का चक्कर है बस। अच्छा, हाँ जी, इसमें क्रॉस का नहीं है, ये रेडिश का है प्योर में, बस थोड़ी इसकी जो रेडिश में आकर थोड़ी फेस क्वालिटी क्रॉस में आ गई। कितना दे देगी दूध? ये दूध ये 20+ दे देगी। समय? समय एक वीक, एक हफ्ता पड़ा है। और दूध का इसका एक होगा फैट का, और इसका जो दूध वाइट होगा जैसे भैंसों का होता है, साहीवाल का होता है। दाम बता देंगे। तो ऐसा किया करना, एक टेप ले आ, जैसे मैं दाम कहूँ तो फट से लपेट ले बस। सत्श्रीकाल जी। सत्श्रीकाल जी। क्या नाम है अपना? मेरा नाम गुरमीत सिंह। गुरमीत जी, हाँ जी, ये आपकी डेयरी? हाँ, जसोवाल पिंड है। अब आपने इसको दे दी? हाँ जी, इनको दे दी। पैसे देगा? पैसे देगा। अच्छा, आप हमें ये बताओ, हाँ जी, कि डेयरी का धंधा हाँ क्यों नहीं आगे, सफल क्यों नहीं होते? देखो जी, जो तो व्यापारी हैं तो अलग बात है, एक तो दूध का दाम है जो वो नहीं डेयरी वाले को मिल रहा है, जो दूध है वो बनाया जा रहा है केमिकल से बनाया जा रहा है। नई सरकार से उम्मीद है कुछ? देखो उम्मीद तो लोगों ने इतनी उनको बहुमत दिया है, उम्मीद रख के ही दिया है। बहुत वोट डाली? बहुत डाली। हम तो आंखें बंद करके डाल दी। हम तो पहले सीजन में भी डाली थी। अच्छा, हाँ, पहली बार भी डाली। पहले हम अकाली दल को डालते थे, अब इनके पास चले गए हम। देखो लेकिन अब अभी तक तो कुछ ठीक ठाक लग रहा है। अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, अभी तो ठीक ही लग रहा है। आने वाला समय देखो जो इनने 5 सीटें राज्यसभा की दे दी बाहरले बंदियां को, वो गलत कर दिया, वो हमारे पंजाब की बात नहीं उठाएंगे। अब ये बताओ कि ये ढेरी का धंधा सरकार को क्या करना चाहिए कि सफल हो? एक तो नकली दूध बंद करवा दे। एक नकली दूध बंद हो, उन्होंने तो महीना बांधा हुआ होता है नकली वालों को, तो इसीलिए वो बंद नहीं हो रहा। पर लोगों के सेहत के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना। नहीं, मालूम सबको है, सभी को मालूम ये हो रहा है काम। हाँ जी, हाँ जी। पर अच्छा, और क्या चाहिए कि सफल हो जाए? और देखो, अच्छे टीके आए, जो टीका है टीकाकरण होता है, जो नवी ब्रीड बननी है वो अच्छी आए। तो नंबर दो पे जो दूध के दाम है वो फिक्स आए, सीजन बदने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। उसको जनता का भी ख्याल रखना चाहिए, जनता को ये ख्याल रखना चाहिए, हम दाम ज़्यादा दे देंगे पर नकली दूध नहीं खरीदेंगे। वो देखते हैं भी ये तो जो मझ का दूध होता है 70 रुपए मिलता है, तो वो एक उनको 35 रुपए में डाल देता है, दूजी जाके जो घर घर सप्लाई देते हैं उनका दूध नकली, वो लेके खुश हो जाते हैं, भाई हमको तो 35 मिल गया, हम 70 वाला क्यों लेंगे। यही बात उनकी, एक बात उसका रिजल्ट आता है बाद में, 35 का जो बाद में परिणाम है, परिणाम 35 रुपए जो बचा लिए ना उस जिंदगी, 3500 देने पड़ते, 35 लाख रुपए देने पड़ते हैं जब किडनी का आता है और कोई 35 लाख में नहीं पूरा होता। वो हॉस्पिटल कॉलेज सब में लीडरों के हिस्से हैं। दूध तो सभी को माड़ा ही मिल रहा है। हम जब छोटे थे ना, हमारे गाँव में हर एक के पास 10-10 5-5 भैंसे होती थी। हमारे परिवार में गाय, हर घर में गाय भी होती थी, भैंसे भी बहुत होती थी हर परिवार में, चाहे वो एससी है, बीसी है, मिस्त्री है, तरखान है, कोई है, उसके हर के घर में एक गाय होती, एक भैंस होती थी, अपना दूध तैयार करते थे। आबादी थी वो अब से 50% कम थी। अब जो दूध वाला पशु है वो 50% कम हो गया, 50 से भी ज़्यादा कम हो गया, आबादी 50+ होगी, दूध का अभी भी घाटा नहीं पड़ रहा कहीं। दूध तुम आप ऑर्डर करो, कहते हैं घंटे को दे। नई बात पता क्या हुई, पहले हमारे फादर को कैंसर हो गया 1964 में, हाँ जी, तो 10-10, 15-15, 20-20 गाँव में किसी एक को कभी होता था, लेकिन अब एक एक गाँव में 20-20 को, 20-20 ये इसमें जो फसलों पे सब्जियों पे
पेस्टिसाइड का भी रोल है इसमें। तो पेस्टिसाइड भी इनके पैसे की लालसा ने शुरू करवाया? पैसे की लालसा ने जब शुरू हुआ था, जब लोगों को पैदाइश बद मिलती थी उसके साथ, अब हमारी जो ज़मीन है उसको भी इसकी आदत पड़ चुकी है। पर लोगों को समझना चाहिए कि हम दाम ज़्यादा दे देंगे पर पेस्टिसाइड वाली फसल, अनाज या दूध में भी जाता है जो। अब एक काम करो, मैं भी आपके साथ करता हूँ, किसी को कहने से कोई फायदा नहीं, उस काल पुरख के आगे अरदास कर देते हैं कि भाई सुधार दो। ठीक है, हम तो हमारे लिए जोड़ते हैं। नमस्कार। सींग वाली बहुत बढ़िया लगती है ये। अभी दो नहीं, क्या परंपरा बना दी कि सींग निकलवा देते हैं? ये दो दांत है। ये दो दांत है? हाँ जी। दांत दिखा दे। दिखा देंगे। ये क्रॉस में ये है, थोड़ी क्रॉस पर है, प्योर फार्म की एचएफ की है, ये जर्सी की बछड़ी है। अच्छा, जर्सी की बछड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। तो देखने में तो लगती है इसे दूसरे तीसरे बयान में होगी। अब आपके सामने ही। अब ये चार दांत है तुम दिखा रहे हो। अभी 10 दिन पड़े हैं बयाने में। हाँ जी, ऑर्डर पड़ा इम्पैक्ट है। ऑर्डर पहली बार भी आएगी? पहली बार। कितना दूध दे देगी? दूध जैसे इसकी मदर का रिकॉर्ड तो 40-42 लीटर का ही। उसको टीका लगा? हाँ जी, इसका जर्सी का। हाँ जी, हाँ जी। ये सिर्फ थोड़ा सा जो जब उन्होंने बताया सिलेंडर में कुछ इंजेक्शन है तो पीछे से ही कोई टीका आ गया, जब लगाया तभी, और सींग की वजह से दे दी, वरना उन्होंने गायें देनी नहीं थी। टांगे खूबसूरत है। सींग क्या कहते हैं? नहीं, वो ऐसा है ना जी, अब ये गायें फार्म में घूमती हैं, किसी को सींग मारते उसी वजह से डरते हैं। हाँ, अब पर ऑर्डर खोली खोलते फिर बांधे उतरे। क्या था इसकी माँ का रिकॉर्ड? 42 लीटर जर्सी है। ये कितना देगी? अब ये देखो, हमारा अंदाजा, हमारा अंदाजा तो है 25+ जाएगी। 25+ जाएगी। अभी इसका ऑर्डर आप साइड देखो, पीछे जो ऑर्डर में है गैप, और अभी तो इसने 10-15 दिन लेने हैं। तो ये कितने की लाए हो खरीद के? बोले ये अंकल हम ज्यादा तो नहीं बोलते, 65,000 की देंगे। दे दो 65,000 की दे दो। दूर बताया 25? 25+ जाएगी। चमक बहुत है। जब अगर मेरे पास खड़ी रही गाय, जिस दिन तैयार होगी आपको एक बार वीडियो डालूंगा, फिर आप बताना। भी अभी अभी बेचोगे नहीं इसको? क्या बे अभी भी बेच देंगे, पर अभी मेरा यही इरादा है। दो दिन में बिक जानी है। मेरा पता क्या, इस गाय के एक इरादा है, इसको एक बार तैयार करके देखना है क्या बनता है। ये क्रॉस? हाँ जी, हाँ जी। तो ये फार्मर के यहाँ की तो नहीं? ये किसान की है, ये आम घर की है। डेयरी फार्म की नहीं? क्यों, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर बता रहा है। अब ये क्रॉस है, अब तो मुंह कान ठीक है, और बाकी एचएफ क्रॉस आ गया ये। तो क्रॉस का अब गर्मियों में क्या फायदा होगा? जो जी मीडियम दूध वाला किसान है वो इसको ले लेगा, दाम भी कम है ठीक है, और दूध का 18-20 लीटर दे देगी। 18-20 लीटर देगी? हाँ। इतनी बड़ी 18-20 ही देगी? पता क्या, ये कम जैसे ब्रीड का है, ब्रीड जैसे वो बड़ी ब्रीड वाली हैं, वो ब्रीड का भी फर्क होता है। दांत पूरे करेगी? दांत पूरे करेगी। तो पहली बयान में कितना दिया इसने? पहली में उसने दिया 17-18 लीटर। ये तो किन लोगों के लिए एडवाइस करोगे? ये एडवाइस जो घरेलू घर वाले किसान है, आम किसान होता है। हाँ। जिसने गाय दूध के लिए या डेयरी वाले ले जाते हैं, अब देने को तो 25 भी कर सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। आगे भी ऑर्डर का बढ़िया शेप है रीडिंग पे। हाँ जी, हाँ जी, और अभी बनेगी, 10-15 दिन पड़े हैं इसके, अभी पड़े हैं। हाँ जी, भाव भी इसका ही, जो लेने वाला अगला जैसे आगे गर्मी की वजह से दूध पूरा करना हो, भाव भी ठीक हो जाएगा। अब ये जोड़े में दिखा रहे हो? हाँ जी, नहीं? एक दो दांत है ये, एक दूसरे। तुम पहले पैसे बताओ, आज मैंने बिना पैसे लिए आगे थे। हम जी आपको रेट कम नहीं कुछ नहीं, ये दो गायें देंगे 1,15,000 की। दूध कितना दोनों का? हम आपको देखो, ये ना कल आपको ऐसे ही बोले, कल लिए मंडी से गाय हमने। अच्छा। ऐसे ही बोले वहाँ से आई हैं ठीक है। अभी दूध ये 2 दिन में बनेगा। ये बछड़ी के नीचे अभी 3-4 दिन की सुई के नीचे 18 लीटर था, वो 4-5-6 दिन की सुई है उसके नीचे 20 लीटर था। अभी ये क्यों कल की थकी हारी आती हैं, अब थोड़ा मौसम का है, इनका दूध बनेगा अभी 3-4 दिन में जाके। 57-58 में एक पड़ेगी जाके, बस आप के दोनों एक साथ। एक ब्याह गई है? दोनों ब्याही हुई हैं। एक के नीचे बछड़ी है, एक के नीचे बछड़ा है। तो मिल्किंग करवा के दो? करवा के देंगे, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। 1 लाख? 1,15,000 की देंगे। 1,01,000 की नहीं, 11 की कर दो। 1-10 की देंगे आपके लिए बस, इससे लास्ट। तो 11 की कर, हम आपको बस 1-10 में आपकी वजह से छूट कर देंगे। चलो भी अंकल की छूट हो जाए। गणदीप सिंह जी, अच्छा बढ़िया भाई, फिल्मों में क्या? नहीं जी, पंगड़ा में आर्टिस्ट हो। आर्टिस्ट हैं? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पूर्ण पास आए?
हाँ जी सर। गाय खरीदने ली? हाँ जी सर। कितने खरीदी? चाचा जी का लेन देन चलता है, मैंने फार्म फार्म है ये अपना जी। क्या नाम है? है बब्बी जी, बब्बी जी दुग्गा तो संगरूर से जी, दुग्गा से जी। अच्छा दुग्गा से संगरूर। हाँ जी हाँ। पहले कितनी बार आए से? सर इसको ले आगे होने जी कितने बार पूर्ण चार गेर जी पांच गेर सर आगे। बेईमानी की इसने? सर की नहीं जी इसने। नहीं सर जी बेईमानी की थी। तुमको पैसे उसे दे के? नहीं 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 नहीं। चाय वाय तो अभी पिलाई नहीं है पहले? अभी तो आई। पिलाऊगा जी है तो। अच्छा इसीलिए तारीफ कर रहे हो? नहीं सर जी नहीं। तो आप गाय कितने की खरीदी है? खरीदनी है जी। अब खरीदनी? हाँ जी हाँ। खरीद के लेके जाओगे? हाँ जी हाँ। हमको बताना, हम कम करवा देंगे। ठीक है सर, ठीक है। नमस्कार। पहले बात सुनो। हाँ जी। तो जमीन कितनी है सर? साढ़े पाँच जी, छः होनी किले। छोटे किसान? हाँ जी छोटे किसान ही है। पशु कितने रखते हो? पशु सर है नहीं जी, 30 डंगर जी, फार्म है अपना जी। खेती से पशुओं से ज़्यादा कमाई होती है या खेती से? खेती से भी है जी, ठीक है जी, फार्म से भी है। खर्चा ज़्यादा उस तरफ है इस तरफ? खेती में ज्यादा खर्चा है या पशुओं में? सर जी इको जी है जी, मतलब बराबर? मतलब बराबर में है जी। आप कितना पढ़े हो? मैं ग्रेजुएट हूँ जी। ग्रेजुएट? हाँ जी। तो चाचा के साथ करते हो? हाँ जी, अभी शुरुआत करनी है जी। शुरुआत करनी? हाँ जी सर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू।